वेलकम माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स जॉन डीके पटेल। आज बच्चों 12 साइंस के फिजिक्स में यूनिट 1 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। एनसीईआरटी सिलेबस की बात हम करेंगे, लेक्चर नंबर 1। बच्चों पहले इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड समझने से पहले एक वर्ड समझते हैं, और जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टेटिक्स। इलेक्ट्रोस्टेटिक्स, व्हाट इज मीनिंग ऑफ द इलेक्ट्रोस्टेटिक्स? तो बच्चों हम ये बात समझने से पहले समझते हैं, हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर हम हर रोज देखते हैं कि मान लो कि आप टेलीविजन की स्क्रीन को ऐसे अपनी उंगली से ऐसे टच करने की कोशिश करेंगे तो कुछ झरझरा सा या आपको बच्चों कुछ अट्रैक्शन है, कुछ होता है। बच्चों और भी एक बात करते हैं, हम जब सर्दियों के अंदर वूल के कपड़े पहनते हैं तो उसके अंदर थोड़ा स्पार्किंग जैसा होता है, इस कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टेटिक्स। इलेक्ट्रोस्टेटिक्स क्या है? अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी रेस्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स इंटरेक्शन रिएक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टेटिक्स। अ ब्रांच ऑफ द फिजिक्स इन विच वी स्टडी अ रेस्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स इंटरेक्शन। इंटरेक्शन मीन्स फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एसोसिएट विद द इलेक्ट्रिक चार्ज। बच्चों यहां सम एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टेटिक्स, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टेटिक्स। तो जनरली ये इलेक्ट्रोस्टेटिक्स कहाँ यूज होता है? तो हियर द पहले हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टेटिक्स की एप्लीकेशन है बच्चों क्या है। तो पहले मैं बात करूंगा लेसर प्रिंटर। सेकंड बच्चों बोलेंगे कॉपिंग मशीन, जिसको हम बच्चों कई बार जेरोक्स वर्ड से भी बुलाते हैं। बच्चों हम टेलीविजन और रडार की भी बात करेंगे, टेलीविजन एंड रडार। तो बच्चों दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रोस्टेटिक्स। बच्चों हम हमारे मेन चैप्टर कर रहे हैं और जिसका नाम है क्या है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है बच्चों, तो वो चीज हम समझ सकते हैं। तो हम ये इस चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रोस्टेटिक्स ही पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टेटिक्स के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज, फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंट, ये सब सारे वर्ड आएंगे। तो यहां हम यूनिट 1 बात करेंगे, उसको इलेक्ट्रोस्टेटिक्स बोलते हैं, और ये चैप्टर 1 और 2 कंबाइंड यूनिट 1 है जो इलेक्ट्रोस्टेटिक्स है। तो बच्चों जैसे मैं लिखता हूं तो आप साथ में नोट बनाते जाइए। तो यहां इलेक्ट्रोस्टेटिक्स और उसकी एप्लीकेशन की हमने बात की। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है बच्चों। तो इलेक्ट्रिक चार्ज समझाने से पहले मैं बच्चों आपको इसकी हिस्ट्री बता दूं। तो बच्चों ये इलेक्ट्रिक चार्ज वर्ड आया कहां से? तो बच्चों ये वर्ड बहुत देर पहले की बात है, इन 600 BC बच्चों थेल्स ऑफ मिलिटस नाम का एक साइंटिस्ट था, और उसने बच्चों एक टुकड़ा लिया और जिसको हम बोलते हैं एम्बर क्या है? तो येलो ब्राउन अ पीस ऑफ द ट्री एंड हियर द इट इज जनरली यूज्ड इन द ज्वेलरी। अब ये बच्चों एम्बर है, उसको हम सिल्क क्लोथ के साथ रबिंग करते हैं, और फिर मैं इस एम्बर को मैं पीस ऑफ पेपर के पास ले जाऊं, या डस्ट के पास ले जाऊं, या पीस ऑफ द लीव्स के पास ले जाऊं, तो उसके साथ ये पीस ऑफ पेपर इसको अट्रैक्ट करते हैं। तो मतलब इसके पास हम ले जाए ए एम्बर को, तो ये सब इसके साथ अट्रैक्ट करते हैं। तो अट्रैक्शन हुआ क्यों? तो इसके अंदर कुछ प्रोड्यूस हुआ व्हेन दे इज रब विद द सिल्क क्लॉथ दिस पार्ट्स, या क्यों अट्रैक्शन हुआ? तो अट्रैक्शन होने का जो रीजन है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। ये वर्ड पहले थेल्स ऑफ मिलिटस ने बताया। बच्चों अबाउट 100 ईयर्स एक साइंटिस्ट था और जिसका नाम था चार्ल्स डूफे, और उसने ऐसा बताया कि मान लो मैं दो चीजें पॉजिटिव चार्ज वाली या दो मटेरियल लेता हूं। बच्चों यहां मैं इसकी बात करूंगा अबाउट द 100 ईयर्स ago, अबाउट 100 ईयर्स
यागो। बच्चों मैं इसकी हिस्ट्री बता रहा हूं आपको। तो साइंटिस्ट नाम था चार्ल्स ड्यूपे, और उसने बच्चों क्या बताया, तो इसने बताया मान लो कि मैं एक नायलॉन थ्रेड लेता हूं और उसके पर एक बॉडी को सस्पेंडेड करता हूं, और बॉडी पर इट्स रब विद द सिल्क क्लॉथ। अनदर बच्चों सेम मटेरियल लेता हूं और इसको भी मैं सिल्क क्लॉथ के साथ रब करता हूं, जनरली ग्लास वही होता है, और उसके पर भी मैं सिल्क क्लॉथ के साथ रब करता हूं, दोनों को नजदीक लेता हूं, तो बच्चों इन दोनों के बीच में रिपल्शन होता है। अब मान लो बच्चों मैं एक और मटेरियल लेता हूं और इसके अंदर ये प्लास्टिक रोड लिया मैंने और मैं इसको फर के साथ रबिंग करता हूं, और रबिंग करने के बाद सेम मटेरियल, तो बच्चों दोनों के बीच में भी रिपल्शन ही होता है। अगर मैं ये एक ये ग्लास का टुकड़ा, जनरली ग्लास हो जाता है, और ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक का रोड है, अब मैं ग्लास और प्लास्टिक दोनों को एक दूसरे के नजदीक लाऊं, तो मान लो ये एक्सेप्ट कर देना ये प्लास्टिक है, ग्लास है, और इसके पास मैं प्लास्टिक का टुकड़ा लाता हूं यही, और इन दोनों को मैं नजदीक लाता हूं, तो इन दोनों के बीच में बच्चों अट्रैक्शन होता है। तो अट्रैक्शन और रिपल्शन होने का रीजन यह है इलेक्ट्रिक चार्ज। ये बात बताई थी हमें चार्ल्स ड्यूपे ने। अब फ्रेंड्स में ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है तो उसको थोड़ी डिटेल में समझाता हूं, वो समझाने तब तक बच्चों आप ये साथ में पॉइंट नोट करते जाइए, पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। बच्चों मेरे पास ये बलून है और मैं इसको रबिंग करता हूं अपने सर के अंदर, और यहां मेरे पास कागज के टुकड़े हैं, और उसके साथ रबिंग करने के बाद मैं कागज के टुकड़ों के पास ले जाता हूं, तो यहां आप देख सकते हैं अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब ये अट्रैक्शन का रीजन क्या है बच्चों, तो जो ये अट्रैक्शन कर रहे हैं, तो अट्रैक्शन का रीजन क्या है, तो यहां आप देख सकते हैं कि ये बलून है और ये कागज के टुकड़े, इन दोनों के अंदर अट्रैक्शन हुआ कैसे, तो उसका रीजन मैं दूंगा ड्यू टू द इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बच्चों यहां मेरा एक पॉइंट है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो हम चैप्टर पर वापस आते हैं और समझते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, और ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। तो मैंने अभी बताया आपको कि बच्चों बलून को हम रबिंग करते हैं हमारे ड्राई हेयर के साथ, तो उसको कागज के टुकड़े के पास ले जाओ, दोनों के बीच में अट्रैक्शन आए, वो अट्रैक्शन आने का जो रीजन है वो इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की मुझे डेफिनेशन लिखनी हो तो मैं लिखूंगा इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज इज एन इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच एग्जर्ट फोर्स इज कॉल्ड बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज इज इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी विच एग्जर्ट द फोर्स इज कॉल्ड द बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज। अब ये इंट्रेंसिक क्या है, तो ऐसी प्रॉपर्टीज ऑफ द मास बच्चों टाइम, या कई बार हम यूज करते हैं बायोलॉजी के अंदर, चलो सेल, तो एक ऐसी पॉइंट जिसके नीचे हम नहीं जा सकते, ये मास है वो इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी, टाइम वो इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी, सेल वो इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी, तो यह इंट्रेंसिक मतलब बेसिक प्रॉपर्टी इज कॉल्ड बच्चों मैटर की प्रॉपर्टी, उसको हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को और भी हम समझना होता है, ऐसा कह सकते हैं कि दोनों बॉडी के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्शन होने का जो एक रीजन है उस रीजन को हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। दोनों बॉडी के बीच में अट्रैक्शन होने का मास भी पॉइंट है, पर हम ऐसा बोलेंगे कि अट्रैक्शन रिपल्शन दो बॉडी के अंदर हो रहा है तो उसका रीजन क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक चार्ज। सो अट्रैक्शन रिपल्शन अ फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू बॉडी ड्यू टू द इलेक्ट्रिक चार्ज। अब बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज को और समझना ऐसा भी बोल सकते हैं कि अ मैटर या बॉडी मेड ऑफ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड पार्टिकल इज कॉल्ड द एटम एंड द एटम हैज द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्ज, तो ऑल्सो दिस पॉजिटिव एंड द नेगेटिव प्रोटॉन एंड द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बच्चों यहां इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज को बच्चों डिनोटेड बाय बच्चों अ क्यू, कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू। बच्चों इसका यूनिट है, तो यूनिट
जनरल इज डिनोटेड बाय द सी इज कॉल्ड द कूलम. ऐसा यूनिट वन कूलम सपोज इन अनदर सीजीएस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस ESU. दिस इज द SI यूनिट. अब रिलेशन बिटवीन द कूलम एंड द इज ESEU मतलब इलेक्ट्रोस्टेटिक्स यूनिट. सो वन कूलम इज इक्वल टू 3×10⁻⁹ ESU. बच्चों बेंजामिन फैकलिन अमेरिकन साइंटिस्ट था जिसका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन. बच्चों उसने इलेक्ट्रिक चार्ज के दो पार्ट्स बताए. तो इलेक्ट्रिक चार्ज देयर आर टू टाइप्स और उसने बताया कि पॉजिटिव चार्ज एंड इट्स डिनोटेड बाय प्लस ई एंड नेगेटिव चार्ज एंड इट इज द माइनस ई. बच्चों बाय एक्सपेरिमेंट उसकी वैल्यू है तो 1 इज इक्वल टू प्लस इज इक्वल टू 1.6×10⁻⁹ कूलम और इसकी वैल्यू आएगी माइनस इज इक्वल टू माइनस 1.6×10⁻⁹ कूलम. ये बच्चों इसकी वैल्यू है. ऐसे क्वेश्चन बच्चों जनरल इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर ये सब चीज़ें एमसीक्यू के अंदर आती है और न्यूमेरिकल के अंदर भी हम उसको यूज करेंगे. तो बच्चों ये हु गेव द टाइप्स ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज तो बेंजामिन फैक्ट्री अमेरिकन साइंटिस्ट और ये बच्चों उसकी वैल्यू है वो फिक्स वैल्यू है. प्रोटोन हो तो पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन है तो बच्चों नेगेटिव. तो ये पॉजिटिव वैल्यू है. अब बच्चों हम यहाँ से कोई भी बॉडी को हम चार्ज कर सकते हैं तो आप बच्चों ये नोट कर दीजिए. पॉज करके भी नोट कर सकते हैं. बच्चों मैं आगे जाऊँगा. बच्चों बहुत पहला ही लेक्चर है आपको थोड़ा हार्डवर्क करना पड़ेगा. वेक्टर को दो तीन बार आप लेक्चर को देखिए बच्चों. कुछ नोट्स बनाइए नोट्स को पढ़ते रहिए एक दो बार तो अच्छी तरह याद रह जाएगा. वो कोई हार्ड चैप्टर नहीं है बच्चों बहुत ईजी है आपको समझ में आता होगा. अब बच्चों मैं बोलूँगा चार्जिंग. तो चार्जिंग क्या होता है बच्चों तो मैं इस बात को थोड़ी डिटेल में लेता हूँ और आपको समझाने की कोशिश भी करता हूँ. अ बॉडी मेड अप चार्ज बाय अनदर बॉडी तो इट्स कॉल्ड द चार्जिंग. कोई भी बॉडी को बच्चों हम चार्ज वाली बना सकते हैं उसको चार्ज कर सकते हैं. तो उसके लिए तीन रास्ते हम तीन तरीके से कोई भी बॉडी को हम चार्ज कर सकते हैं. पहली है बच्चों बाय फ्रिक्शन. दूसरी है बच्चों बाय कंडक्शन और तीसरी है बच्चों बाय इंडक्शन. ये तीन मेथड से हम बॉडी को चार्ज कर सकते हैं. अब पहले हम देखते हैं बाय फ्रिक्शन क्या है. तो वो समझाने के पहले बच्चों मैं आपको एक सीरीज बता देता हूं और वो सीरीज को हम थोड़ा समझते हैं. तो पहले बच्चों मैं लेता हूं बाय फ्रिक्शन बाय कंडक्शन एंड बाय इंडक्शन. चार्जिंग मीन्स अ बॉडी मेड अप चार्ज बाय द अनदर बॉडी. इसमें से बच्चों पहली लूंगा बाय फ्रिक्शन. तो आपको थोड़ा इस डिटेल में समझा दूं ये तीनों के तीन पॉइंट और हम डिटेल में अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं बच्चों. तो पहले बच्चों मैं बात करूंगा कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन. अब मैं आपको एक यहां सीरीज बता दूं इलेक्ट्रो स्टेटिक सीरीज बोलते हैं उसको. बच्चों कई बार इसमें जी और नीट में या बोर्ड की एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन भी कई आते हैं. बच्चों सीरीज आपको याद रखें मैं एक इसका तरीका बताता हूँ. तो क्या है बच्चों तो इसका तरीका ये है कि मैंने ऐसा बताया हरी घर पर है ना वो फिर से पेपर कॉटन वुड की ऐप बनाएगा. बच्चों इसका शॉर्ट तरीका मैंने बनाया इस पूरी सीरीज को याद रखने का तरीका हरी घर पर है ना वो फिर से पेपर कॉटन वुड की ऐप बनाएगा. बच्चों इसका कोड वर्ड है. अब इस कोड वर्ड का मैं कैसे यूज करता हूँ बच्चों अब देखो. तो पहले ये हरी है तो मैं इसके लिए एच कह सकता हूँ
और एच मतलब मैं बोलूंगा बच्चों ह्यूमन स्किन, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बच्चों मैं लूंगा आर, तो आर का मतलब क्या बोलेंगे बच्चों, तो रैबिट फर। तीसरा पॉइंट मैं यहां लूंगा बच्चों, तो यह घर है तो मैं जी से ले सकता हूं, जी मतलब हम बोलेंगे ग्लास बच्चों, इसलिए बस फिर से आ रहा है। तो यह मैंने घर लिया, पर घर पर है तो ये है लेता हूं, तो यहां बच्चों जो पर है उसका मैंने वर्ड यूज नहीं किया, तो एच का मतलब मैं बोलूंगा बच्चों ह्यूमन हेयर। बच्चों फिफ्थ नंबर मैं बात करूंगा ना मतलब नायलॉन बच्चों, इसके बाद वो मतलब मैं बोलूंगा वूल, इसके बाद ये फिर मतलब एप कह सकता हूं मैं, और यहां एप मतलब फर कहूंगा, पर कैट फर। एट नंबर में यहां एस आएगा, एस का मतलब बोलेंगे सिल्क। नाइन नंबर में बात करूंगा पेपर, टेन नंबर में बात करूंगा कॉटन वुड। यहां एप में तीन वर्ड मिले हुए हैं, ये एम्बर है, प्लास्टिक और पॉलिएस्टर। ये वर्ड मैंने अपने आप लिख दिए, तो इसका कोड वर्ड ऐसे मेरे बने हरी मतलब एच और आर, तो मैं ये लिखूंगा एच और आर। यहां घर पर है मतलब जी, पर को मैंने लिखूंगा एच बोलूंगा हे, ना मतलब एन, वो मतलब मैं बोलूंगा बच्चों डब्ल्यू, तो डब्ल्यू यहां वूल मैंने लिया है। फिर मतलब बच्चों एफ लूंगा, और यहां से मतलब एस पेपर कॉटन वुड, ए मतलब एम्बर, या पी मतलब हम बोलेंगे प्लास्टिक, और ये पॉलीएस्टर। तो बच्चों ये पूरी सीरीज मैंने ऐसे बना दी। अब सीरीज का मतलब क्या है वो इंपॉर्टेंट है, तो यहां से बच्चों आप नीचे की तरफ जाएंगे तो दिस पार्ट इज पॉजिटिव एंड इज कॉल्ड द नेगेटिव। अब ये क्या है तो वो फिर से मैं समझाता हूं बच्चों, कोड वर्ड आप याद रखेंगे तो पूरी सीरीज आपको ऐसे ही याद रह जाएगी। मैं सीरीज को मतलब आपने लिख दिया, पॉज करके बच्चों इसको याद रखना। अब मैं इसको मिटा देता हूं। अब हम समझते हैं, अब बाय फ्रिक्शन, तो चार्जिंग बाय द फ्रिक्शन का मतलब क्या है, तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन मतलब मैं ऐसी बात करूंगा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के लिए, तो पहले ऐसा समझेंगे कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या है, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, या बच्चों बोलेंगे रबिंग। जब दो चीजों को हम रबिंग करते हैं बच्चों, तो एक चीज इलेक्ट्रॉन को लॉस करती है तो दूसरी गेन करती है। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगी वो पॉजिटिव बनेगी, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी वो नेगेटिव बनेगी। अब मैं एक सिंपल बात बता दूं, अब कंसीडर करें मेरे पास एक ग्लास का टुकड़ा है, और इस ग्लास को मैं यहां सिल्क के साथ रबिंग करता हूं, तो क्या होगा, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। कौन पॉजिटिव बनेगा, तो मैं यहां आपको यह समझा रहा हूं, मान लो यहां मेरे पास एक यहां ग्लास का रॉड है और यह सिल्क का क्लोथ है। अब दोनों पर अभी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, दोनों पर मतलब इसके पर पॉजिटिव नेगेटिव, इसके पर भी पॉजिटिव नेगेटिव है। अब मैं इसको ग्लास रोड को सिल्क के साथ रबिंग करता हूं, तो रबिंग करने के बाद क्या होगा, तो आफ्टर इसको बोलते हैं फ्रिक्शन। तो रबिंग आफ्टर द रबिंग, तो मैं रबिंग करूंगा तो क्या होगा, तो ग्लास रोड में से कुछ इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएंगे और ये पॉजिटिव को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। और न्यूट्रलाइज कर देंगे मतलब ये चला जाए, यहां से पॉजिटिव चला गया। और बच्चों अब आप देखेंगे तो इस ग्लास रोड पर क्या होगा, और ये सिल्क क्लोथ पर, तो सिल्क और ये ग्लास रोड, तो इसके पर सिर्फ पॉजिटिव चल रहा, और इसके पर कौन सा चार्ज रहा, नेगेटिव। तो बच्चों यहां से इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, तो ग्लास रोड अपने इलेक्ट्रॉन सिल्क को दे देता है, तो यहां सिल्क नेगेटिव बन जाता है और ये क्या बन जाता, पॉजिटिव। एक बात याद रखेंगे कि अगर इन दोनों की प्रोसेस के अंदर जो चार्ज होता है वो दोनों में इक्वल होता है, और ये प्रोसेस सिर्फ जो चार्जिंग बाय इंडक्शन है ओनली बच्चों इंसुलेटर के अंदर ही होती है, इंसुलेटर के अंदर ही होती है बच्चों। अब यहां मैंने सीरीज लिखी, इसका मतलब क्या है तो वो समझते हैं। तो यहां ग्लास रोड है, तो आप देख सकते हैं कि ये ग्लास रोड है, और यहां सिल्क क्लोथ है,
तो ग्लास रॉड है तो जो ऊपर का हिस्सा है तो ये पॉजिटिव होगा, तो ये क्या होगा, नेगेटिव। मैं दूसरी बात करता हूँ, कब मान लो बच्चों मैंने यहाँ हेयर की बात की थी, तो ये बात मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ, चलो मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ कि हमारे रैबिट फल लेता हूँ या नायलॉन लेता हूँ, वूल लेता हूँ या कैट फल लेता हूँ। चलो मैं एक कैट फल की बात करता हूँ, तो कैट फल को बच्चों मैं प्लास्टिक के साथ रबिंग करता हूँ तो क्या होगा, तो कैट फर होगा पॉजिटिव बनेगा और ये प्लास्टिक रोड क्या बनेगा, नेगेटिव। जो ऊपर होगा, दोनों में से जो ऊपर होगा पॉजिटिव, नीचे होगा नेगेटिव। एक सिंपल एग्जांपल, अभी बच्चों हमने ये बलून का एक्सपेरिमेंट किया था और कागज के टुकड़ों के साथ। तो बच्चों कागज का टुकड़ा मतलब ये प्लास्टिक है, ये मतलब ये बलून बच्चों, और इसके बाद मैंने इसको कागज के टुकड़े के साथ पेपर, तो पेपर प्लास्टिक के कंपेरिजन में ऊपर है तो मतलब ये पॉजिटिव होगा और ये क्या होगा, नेगेटिव। तो यहाँ बच्चों पेपर पॉजिटिव होंगे और ये प्लास्टिक क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो बच्चों यहाँ हम ऊपर से नीचे की तरफ, ये ऊपर वाले पॉजिटिव और नीचे वाले क्या होंगे, नेगेटिव। तो यह बच्चों आप सिंपल समझ सकते हैं कौन पॉजिटिव बनेगा कौन नेगेटिव बनेगा। एक दूसरी बात समझते हैं कि मैंने यहाँ लिखा है ये इंसुलेटर के अंदर यूज होता है। मान लो मैं यहाँ ये ग्लास रोड की जगह कोई भी मेटल का, मान लो मैं गोल्ड का रॉड ले लूँ तो क्या होगा, या सिल्वर का ले लूँ, आयरन का ले लूँ, या कॉपर का ले लूँ, एल्यूमिनियम का, तो क्या होगा। तो ये बच्चों ये प्रोसेस के अंदर मतलब ये जो होगा, तो हम ये कंडक्टर मटेरियल लेंगे तो वो चार्ज होगा नहीं, मतलब ये बाय फ्रिक्शन प्रोसेस, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं करेगा, मतलब इसका मतलब करेगा तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा हमारी बॉडी के साथ टच में आते हुए। मतलब ये मेटल के लिए इस प्रोसेस का यूज होता नहीं है। मतलब अगर मैं यहाँ गोल्ड का टुकड़ा रखूँगा तो ये पॉजिटिव चार्ज बनेगा नहीं, ये न्यूट्रल ही रहेगा। ये बन सकता है पर ये न्यूट्रल ही रहेगा। मतलब ये बच्चों प्रोसेस है ओनली फॉर द इंसुलेटर, ये कंडक्टर के लिए यूज की जाती नहीं है बच्चों। इसके बाद सेकंड थी बाय बच्चों अब कंडक्शन। तो बाय कंडक्शन बच्चों क्या था वो बात थोड़ी समझते हैं, पर नेगेटिव चार्ज रखता तो क्या होगा, तो ये नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और इस तरफ नेगेटिव चला जाएगा बच्चों। और मान लो कि ये हिस्से के साथ स्पीयर के इस हिस्से के साथ मैं यहां रख दिया और यह मैं इसको अर्थिंग कर देता हूं। अर्थिंग का मतलब क्या होता है कि मान लो आप कोई कंडक्टिंग वायर लो और वो जमीन के साथ ज्वाइन कर दो, यह बच्चों वो नेगेटिव तो रहेगा ही, ओके। तो क्या होगा, तो अर्थ का काम क्या है, तो अर्थ क्या करता है, तो कोई भी चीज को, कोई भी बॉडी को न्यूट्रलाइज करेगा। न्यूट्रलाइज करेगा मतलब, तो यहां के इलेक्ट्रॉन जमीन के अंदर चले जाएंगे। पर मान लो अगर मैं ये वायर यहां पॉजिटिव होता तो नीचे से इलेक्ट्रॉन अंदर आते और इसको न्यूट्रलाइज करता। मतलब अर्थ एक ऐसी चीज है कोई भी चीज को न्यूट्रलाइज करता है। अगर आप कोई भी बॉडी के नेगेटिव के साथ कनेक्ट करेंगे अर्थिंग वायर तो इलेक्ट्रॉन जमीन में चले जाएंगे। पर मान लो यहां पॉजिटिव चार्ज होता तो जमीन में से इलेक्ट्रॉन ऊपर आते और उसको न्यूट्रलाइज कर देते। तो बच्चों ये अर्थिंग किया है, मतलब यहां से जो जितने भी नेगेटिव चार्ज है वो चले जाएंगे जमीन के अंदर। तो बस अब इसके पर कौन से चार्ज रहेंगे, तो इसके पर बच्चों सिर्फ अब पॉजिटिव चार्ज ही रहेंगे। अब आप सोच रहे हैं पॉजिटिव चार्ज ऐसे क्यों बैठे, तो बच्चों ये इसका अट्रैक्शन है, इसका अट्रैक्शन है। जैसे मैं इसको हटा दूंगा तो ये चार्ज पूरी बॉडी पर फैल जाएगा और यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएंगे अच्छी तरह, पूरी बॉडी पर यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएंगे। तो ये बॉडी पर पहले कोई चार्ज नहीं था, मतलब न्यूट्रल थी, और इसको हमने क्या बना दिया, पॉजिटिव चार्ज। तो दिस मेथड इज कॉल्ड बाय इंडक्शन। अब बच्चों एक और भी तरीका है, मान लो मैं दो स्पीयर को लेके कर सकता हूं तो कर सकते हैं, वो हमारी सीबीएसई की बुक में ये भी मेथड दिए बच्चों। वो भी एक बात समझा देता हूं कि हमारी बुक के अंदर एक सिंपल और भी तरीका दिया है कि मान लो आप दो स्पीयर लेते हो, एक स्पीयर मैंने यहां रखा है और इस स्पीयर के अंदर यहाँ मैंने स्पीयर स्टैंड पर ही रखा है और दूसरा स्पीयर मैंने यहाँ रखा है। अब ये स्पीयर यहाँ रखा है और इन दोनों को मुझे चार्ज करना तो क्या करूँ, तो मैं ऐसा करूँगा दोनों स्पीयर के पास ये दोनों स्पीयर मैंने यहाँ ले लिए फिर से समझाने के लिए आपको, और मुझे दोनों को चार्ज करना है। तो दोनों एक दूसरे के नज़दीक है अभी और यहाँ से
यहाँ पर। अब दोनों स्फीयर तो यहाँ है, दोनों सेम है। अब मैं यहाँ पर कोई बॉडी ले लेता हूँ, अब क्या ले लो, तो चलो पॉजिटिव चार्ज वाली बॉडी लेता हूँ, ग्लास रोड ले लेता हूँ, रब विद द सिल्क रोड, तो इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज बच्चों यहाँ आ जाएगा अट्रैक्शन के कारण, तो इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज रिपल्शन के कारण क्या हो जाएगा, दूर चला जाएगा। अब जैसे ही मैं इस रॉड को यहाँ से हटा दूंगा, तो रॉड को मैं यहाँ से हटा दूँ तो क्या होगा, तो मैंने यहाँ से रॉड को हटा दिया तो दोनों पर चार्ज कैसे हो जाएंगे, दोनों उसी जगह पर है, दोनों को उसी जगह पर ही मैंने रखा है, तो क्या होगा, तो ये हटा दिया मतलब इसका अट्रैक्शन चला गया, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो जाएगा, तो ये नेगेटिव 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 पॉजिटिव 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 हो जाएगा। अब मैं दोनों को सेपरेट कर देता हूँ, थोड़े डिस्टेंस पर ले जाता हूँ दूर, तो दूर ले जाओ तो क्या होगा, तो इसके पर यूनिफॉर्मली चार्ज आ जाएगा, मतलब ये चार्ज इसके पर अच्छी तरह स्प्रेड हो जाएगा। तो यहाँ नेगेटिव 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 हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पॉजिटिव 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 और पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब उसी तरह भी हम दोनों स्पीयर पर कोई चार्ज नहीं था, पर हम उसके ऊपर क्या लग दिया, एक नेगेटिव कर दिया एक पॉजिटिव कर दिया। तो ये बच्चों चार्जिंग बाय द इंडक्शन है। बच्चों आज के लिए बस इतना ही, ये हमारा लेक्चर नंबर 1 था। लेक्चर नंबर 2 के अंदर आएंगे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है वो फिर से हम थोड़ा समझेंगे, और उसकी प्रॉपर्टी को समझेंगे, और फिर मास और इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में क्या रिलेशन है, और एक दूसरी बात इलेक्ट्रिक चार्ज को हम कैसे डिटेक्ट करें, वो एक मशीन आता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप, वो कैसे बनाते हैं वो भी आपको मैं सिखाऊंगा। बच्चों अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, देखते रहिए मेरे चैनल फिजिक्स जोन डीके पटेल। थैंक यू वेरी मच बच्चों, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊँ तो आपके पास तुरंत ही पहुँचे। थैंक यू वेरी मच बच्चों, कोरोना वायरस की इफेक्ट चल रही है, तो आप उससे बचने के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच।